जो है ऊबर के अकाउंट्स भी जो है वो बंद हो रहे हैं, जो कि बहुत बैड न्यूज़ है। फिर अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई स्टूडेंट्स वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, वहाँ टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टूडेंट्स पर, इतनी देर काम कर सकते हैं ये नहीं, खर्चे कैसे निकालेंगे ये वो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आ चुके हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि वीडियो जो है काफ़ी देर के बाद आ रही है, इसके पीछे भी बहुत रीजंस हैं तो बाद में बताएंगे। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीन कुछ ही है कि बहुत सारे दोस्तों के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा DM भी आ रहे थे, एंड देन के भाई कोई वीडियो नहीं आ रही, एंड अभी क्या जो है वो हालात चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में 2024 में, और क्या सीन है, वीज़ाज़ क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या रीज़न है। एंड देन आज इस वीडियो में जो है वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि आपको पता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जो है वो कुछ न्यू रूल्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। बाकी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ क्या क्या है, और अगर आप डिटेल्स में जानना चाहें तो आप यूट्यूब पे किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सब ने जो है वो इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो रूल्स कुछ ये आए थे कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले स्टडी वीज़ा पर स्टूडेंट्स आते हैं, देन उसके बाद आपको आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद TR मिलती है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस जिसको कहते हैं, और वो आपके पहले जो है वो कोर्स पे डिपेंड करती थी। अगर आप डिप्लोमा में आते हैं तो आपको 18 मंथ की मिलती थी, और अगर आप बैचलर्स पर आए हैं तो आपको 3 साल की मिल जाती थी, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं मास्टर्स के बाद आपको वो 4 साल, एंड देन जैसे जैसे आपकी जो है वो स्टडी बढ़ती जाएगी, एंड देन TR का जो है पीरियड टाइम पीरियड वो भी बढ़ता जाता था। और अभी जो है वो जो न्यू रूल आया है उसके मुताबिक उन्होंने सब के लिए जो है वो सेम कर दी है। डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा पे आए हो, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, तब भी सब के लिए अब उन्होंने वो 2 साल कर दी है, जो कि बहुत बैड न्यूज़ है सब के लिए। सेकेंड चेंज उन्होंने ये की थी कि पहले जो है वो आपने स्टडी की है, देन आप TR पे आए हो, और अगर आप आपको लग रहा है कि आपको कोई चांसेस नहीं है PR के, एंड देन आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते थे, मतलब आप दोबारा स्टडी पर आ सकते थे। और अब जो है न्यू चेंज सबसे बड़ी जो है वो ये की है इन्होंने, अगर आपने TR ले ली है तो देन आप उसके बाद जो है वो स्टडी वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। पीछे भी काफ़ी कंडीशंस हैं, अगर आपने TR के बाद स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो वो ये है कि पहले स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पर रहकर ऑस्ट्रेलिया में ही मतलब स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लेते थे। अब ये रूल्स आया कि अब आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, मगर आपने बैचलर की है, आपने स्टडी की है, देन आप TR पे गए हो, TR के बाद अब आपको PR नहीं हुई, आपने दोबारा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से मूव करना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी कंट्री में जाके जो है ना दोबारा से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मतलब अपने होम कंट्री में जाएंगे, दोबारा से प्रोसेस होगा, फिर लगेगा नहीं लगेगा, तो अभी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बाकी सेकंड बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई जॉब का क्या सीन है, आपको इतनी देर हो गई है, जॉब मिल जाती है नहीं मिलती ये वो। तो भाई जॉब मैं जब आया था मैंने तब भी पहली वीडियो में मैंने कहा था कि भाई अगर आपका रेफरेंस है यहाँ पर तो आपको जॉब मिल जाएगी, उसके अलावा मुश्किल है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जॉब करता हूँ और वो कैजुअल जॉब है, मीन्स के वो जब उनको ज़रूरत होती है देन वो मुझे कॉल करते हैं और फिर मैं जाता हूँ। वीकेंड्स पे ज़्यादातर वो शिफ्ट्स मिल जाती हैं मुझे, तो वो हेयर वेयर हाउस में जॉब है तो इजी है, टफ नहीं है, लेकिन एक परमानेंट जॉब नहीं है अभी तक मेरे पास। देन उसके बाद फिर अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई स्टूडेंट्स वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, वहाँ टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टूडेंट्स पर, इतनी देर काम कर सकते हैं ये नहीं, खर्चे कैसे निकालेंगे ये वो। तो भाई सब मैनेज हो जाता है, यहाँ पर लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं और सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना मैनेज कर लेते हैं। मैंने आज तक नहीं कभी सुना, मेरे साथ भी इतने दोस्त रहते हैं, मैं इतने लोगों से मिला हूँ, कभी आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि भाई मैंने घर से पैसे मंगवाए हैं, जो है वो सब मैनेज हो जाता है, इस बात की टेंशन नहीं है। तो बाकी एक बैड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि जून जुलाई के बाद आए हैं। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ना हमारा वो यहाँ पर सिडनी में 6 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो जाता है, मीन्स कि आप 6 मंथ के बाद वो गाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं है लीगली।
बाकी हमारा ऊबर का अकाउंट जो होता है वो भी लाइसेंस पर होता है, एंड देन यहाँ पे लाइसेंस के भी रूल्स हैं कि 20 साल उम्र हो, एंड देन मतलब लाइसेंस मिल जाता है लेकिन वो प्लेट्स मिलती हैं रेड पी, ग्रीन पी, एंड देन उसके ऊपर ऊबर भी नहीं चल सकती और उसकी भी अपनी कंडीशन होती हैं हर प्लेट की, तो थोड़ा टफ है। एक बैड न्यूज़ है जो कि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जून या जुलाई के बाद आए हैं, जिनमें मैं भी हूँ, मैं भी अगस्त में आया हूँ, तो हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है कि अब जो है ऊबर के अकाउंट्स भी जो हैं वो बंद हो रहे हैं। लाइक मेरे साथ मेरा रूममेट है तो उसका अकाउंट बंद हो चुका है, मीन्स कि वो ऑस्ट्रेलिया में आया था, उसको 6 मंथ हो चुके हैं, उसका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ऊबर वालों ने उसको मेल किया कि आपका लाइसेंस एक्सपायर है तो हम अब आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का 50-70% जो है वो ऊबर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, वहीं से सारा कुछ आ रहा होता है, तो बहुत बुरी खबर है। बाकी अभी चल रही है ज़िंदगी, गुजार रहे हैं अभी। मुझे आई थिंक 4-5 मंथ तो मुझे भी हो चुके हैं, वो अभी जो है वीज़ा अभी सारे होल्ड्स पर हैं, बहुत कम लोगों का वीज़ा आ रहा है, बहुत ही कम, लेकिन अभी तो काफ़ी 1-2 मंथ हो चुका है, कभी कोई सुनने में भी नहीं आया कि किसी का वीज़ा आया, तो अभी जिसका आ रहा है इस टाइम पीरियड में तो वो बहुत लकी बंदा है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो किसी के भी रिलेटेड आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आंसर देंगे, एंड देन मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ भी बनाऊँ, एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।